हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के पूरे जो है फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से, जनरली एग्री बिजनेस यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है केमिकल ये कंपनी बनाती है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने जो है अपने इन्वेस्टर्स को 10,000% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है और इसी तरीके का रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बनाने का पोटेंशियल कंपनी रखती है। तो कंपनी बहुत शानदार है, बिजनेस भी बहुत शानदार है और ग्रोथ जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसका कंपनी का जो बिजनेस है वो एवरग्रीन है और हमेशा जो है डिमांड में रहने वाला है। और कंपनी के सबसे पहले देखेंगे हम फंडामेंटल्स, उसके बाद जानेंगे कंपनी का नाम किस तरीके के रिटर्न बना के दिए हैं वो भी डिटेल में देखने वाले हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे और चार्ट पर भी देखेंगे कि कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए या फिर किस तरीके से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप, देखिए आप 15,700 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी जो है मिड कैप की कंपनी है, ग्रो होने का और भी पोटेंशियल ज़्यादा है। ये लार्ज कैप की कंपनी भी बन सकती है 10 से 15 सालों में, और अगर आप एक साल के लिए भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अच्छा रिटर्न निकालने का सोच रहे हैं, तो ये स्टॉक में करंट वैल्यू पर भी अगर आप एंट्री करते हैं तो एक साल में आपका अच्छा खासा जो है पैसा इस स्टॉक से बन सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ये स्टॉक जो है बहुत शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। करंट प्राइस जो चल रहा है 1,137 रुपये का चल रहा है, 52वीं हाई जो बना है 1,155 रुपये का, 52वीं लो जो बना है 675 रुपये का, डिविडेंड यील्ड है 0.35% का, फेस वैल्यू 1 की है, BSE और NSE पर लिस्टेड है और डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.00 बता रहा है, यानी कि कर्जा जो है ना के बराबर है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। वो भी आपको बता दूंगा कि टोटल कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 51.38% का है, प्रमोटर होल्डिंग भी 50% से ऊपर की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सबसे अच्छी बात, एक भी शेयर कंपनी का गिरवी नहीं है। रिजर्व्स यानी कि कैश अमाउंट कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास वो देख लेते हैं, 2,261 करोड़ का कैश अमाउंट पड़ा हुआ है कंपनी के पास और टोटल जो कर्जा है 9.90 करोड़ का जो है कर्जा है, तो ना के बराबर कर्जा है। जो भी प्रॉफिट होने वाला है कंपनी को सीधा सीधा जो है शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स को फायदा होने वाला है अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का किस तरीके का रहा है, तो सेल्स देखिए 5 क्वार्टर का भी रिजल्ट आ चुका है, तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखें तो 708 करोड़ से 805 करोड़ का हुआ है, सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 149 करोड़ से 172 करोड़ का हुआ है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 21% का है, ये भी अच्छा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो भी 21% का अच्छा जो है मेंटेन करके रखा है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपेयर में तो आप देखिए 107 करोड़ से 124 करोड़, तो क्वार्टर वाइज जो है कंपनी ने अच्छा जो है रिजल्ट परफॉर्म किया है, तो कंपनी का अभी जो है शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन क्या होगा स्टॉक को अगर आप होल्ड करके रखोगे तो ये स्टॉक जो है आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज देख लेते हैं, सेल्स देखिए 2,277 करोड़ से 2,841 करोड़, यहाँ पर भी बढ़ा है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 494 करोड़ से 573 करोड़, बहुत ही अच्छा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 20% का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर देखें इसका तो 367 करोड़ से 408 करोड़ का हुआ है, तो पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट भी जो है इसका बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। और लास्ट 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 19.88%, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 60.10% और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 28.30%, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है लास्ट 10 सालों में और इसी तरीके का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। 20 से 25% आपको पर ईयर ये स्टॉक जो है रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व देखिए 2,261 करोड़ का है, टोटल असेट जो है 3,145 करोड़ की है और कैश फ्लो देखें तो पॉजिटिव है। कंपनी का नाम बता देता हूं मैं आपको, कंपनी का नाम जो है वो है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी है। PI इंडस्ट्रीज इज इन द फील्ड ऑफ एग्री साइंसेज, हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। इसका डिटेल में जो है हम आगे देखते हैं किस तरीके का बिजनेस करती है, उससे पहले इसके रिटर्न जान लेते हैं
किस तरीके के रिटर्न दिए हैं, तो देखिए 1 वीक में 1.79% अप है, 1 ईयर में देखिए 36% का रिटर्न बना के दिया है, ईयर टिल डेट तक भी 33% का रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में 263% का और 10 साल में देखिए 10,786% का रिटर्न बना के दिया है। मिड कैप की कंपनी है, इंडस्ट्री पी से पी ज़्यादा है, तो आप लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SIP मोड में बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फंडामेंटल में। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी लगभग जो है कर्जा ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 18 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है, 126 FIs का जो है पैसा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, जबकि FIs ने होल्डिंग घटा दी है, म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग घटा दी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग बढ़ा दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसका मतलब है कंपनी में कोई भी बैड न्यूज वगैरह नहीं है। और इसका अगर ब्रीफ में अगर देखिए तो PI इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड इन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एग्री इनपुट्स, फाइन केमिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पॉलीमर्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। PI लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दस फर्दर डाइवर्सिफाई एंड एनरिचिंग दियर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। The services offered by the company includes contract research and manufacturing services in the areas of fine chem or agrochemical, pharma intermediates, crop protection, specialty products, plants. तो कुल मिला के देखें तो ये कंपनी बनाती है एग्रोकेमिकल, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी केमिकल होते हैं वो बनाती है, और पेस्टिसाइड्स बनाती है। प्राइवेट कंपनी है, 1946 से जो है चालू हुई थी कंपनी, अभी तक चल रही है। करंट प्राइस 1,143 रुपये का चल रहा है, लेकिन ट्रेड किस तरीके से करना है वो हम चार्ट पर देखेंगे। मिड कैप की कंपनी है, 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था 30 जुलाई 2018 को, अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पर आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीयर से भी कंपेयर में देख लेते हैं तो कंपनी जो है गुड क्वालिटी की है, फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव चल रहा है। तो इसका सीधा सा ये कि जिसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव चल रहा हो उसको आप SIP मोड में बाय करें। SIP मोड में कैसे बाय करें, ये देखिए चार्ट है इसका, इसके ऊपर जो ये रेड कलर की लाइन अगर दिख रही है आपको तो ये 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और एक पर्पल कलर की लाइन जो दिख रही है आपको ये 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट बाइंग लेवल जो रहेगा इसका 990 रुपये के आसपास आ रहा है, यानी कि 1,000 रुपये के आसपास जो है इसका बेस्ट लेवल आ रहा है बाय करने के लिए, लेकिन 1,000 रुपये आना इसका जो है अभी बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या कीजिए, करंट लेवल जो है उस पर SIP मोड में बाय कीजिए। SIP मोड में पर मंथ आपको 2 शेयर बाय करने हैं, और जब भी ये स्टॉक जो है 980 रुपये के लेवल पर अगर आपको मिल जाए फ्यूचर में, तो आप लोग क्या है वहां पर ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है अपनी 2-2 शेयर की पर मंथ की SIP जो है चालू रखिए। और SIP अगर आप सपोज आपने आज तारीख है 3 तारीख, तो कल से जैसे SIP शुरू करते हो स्टॉक में 4 तारीख को, तो आपको हर महीने की 4 तारीख को ही आपको इस स्टॉक को जो है बाय करना है। इस तरीके से प्लानिंग करके अगर बाय करोगे तो आपको जो है स्टॉक से जो है बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। SIP मोड से क्या होता है, आपकी एवरेजिंग होती रहती है, अच्छा एवरेज प्राइस हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और जो लोग 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जो है अपना बड़ा अमाउंट 1140 पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही लोग लगाएं इसमें जो होल्ड कर सकते हैं। सपोज आपने खरीदा 1140 रुपये पर, और 2 या 3 दिन बाद स्टॉक जो आ जाता है 1100 रुपये पर या फिर 1090 या 1080 के पास आ जाता है, तो पैनिक में एग्जिट मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है 1140 से ऊपर ही जाने वाला है। तो होल्ड करके रखिएगा, आपका जो है होल्डिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, पेशेंस रखेंगे, ये स्टॉक के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो रिटर्न भी अच्छा देके जाने वाला है और पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। पैनिक में बस स्टॉक में जो है एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड जो है पॉजिटिव चल रहा है। शॉर्ट टर्म में जो है इसमें गिरावट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये जो स्टॉक है 5 से 6 महीनों के लिए भी अगर होल्ड करके रख दिया तो उसके बाद ये आपको पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जो आपको हमेशा ग्रीन रिटर्न ही बताने वाला है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।